कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आज आखिरी रोज है। बैनुल अक्वामी नुमाइश में पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता शेपर्ड 3 मुतारिफ करा दिया है। इसी पर बात करेंगे, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, आगे कीजिएगा। कराची एक्सपो सेंटर में जारी बैनुल अक्वामी नुमाइश आइडियाज़ 2024 में शेपर्ड 3 को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन 30,000 फट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। इसके हवाले से मजीद जानते हैं, गिट्स के सीईओ असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसे जानते हैं सर, क्या खसूसियात कहाँ मिली है? जी, शेपर्ड 3 माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कल इसका इनॉग्रेशन हुई है फॉर्मल, वी आर वेरी प्राउड। शेपर्ड 3 जी 35,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करता है। इसकी 30 घंटे तक एंड्योरेंस है, एयरबॉर्न रह सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, और 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। बेसिकली ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को लॉक करता है। टारगेट्स के अंदर इसके पास चॉइस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई टेररिस्ट हैं, एक बंदा है, दो बंदा है, 8-10 है, एक वो सेक्शन है, उसके लिए एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेपन्स है जो ये कैरी करता है। अगर कोई टेररिस्ट बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है, ये उसको भी टारगेट कर सकता है। अगर कोई बंकर्स के अंदर है, ये उसको भी टारगेट कर सकता है। तो मतलब बड़ा डाइवर्स ये प्लेटफॉर्म है जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है। साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि ज़बरदस्त इजाफा है, ये बहरी कुवत के अंदर ज़बरदस्त इजाफा है जो ना सिर्फ 35,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है बल्कि बआसानी अपने अहदाफ को निशाना बनाइए की सलाहियत से भी आरास्ता है।